हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, चंडीगढ़ से खबर, जहां प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रदेश अध्यक्ष पद का आज शैलजा कार्यभार संभालेंगी और थोड़ी ही देर में प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। और चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां प्रदेश मुख्यालय पहुंची हैं कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार शैलजा संभालेंगी और थोड़ी ही देर में प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये ताजपोशी होनी है और प्रदेश मुख्यालय में दोनों दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद के पहुंचने का और उसके बाद ही उनको जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है औपचारिक रूप से भी उसकी तस्वीर जरूर सामने आएगी। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश जी, क्या इस पर अभी जानकारी है? राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद तकनीकी रूप से खामी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश मुख्यालय कुमारी शैलजा पहुंच चुकी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद, जिनका इंतजार हो रहा है, और उनके आते ही कार्यक्रम में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं या फिर जो दोनों आज के खास नेता जिनको कार्यभार सौंपा जाना है, जो अपना कार्यभार संभालेंगे आज से, तो जाहिर तौर पर उन सभी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर में जब प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद पहुंचेंगे तो उसके बाद ही जो कार्यभार जो सौंपना है वो पूरा कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी ये तस्वीरें उससे पहले की, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। राकेश गुप्ता जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है, चंडीगढ़ से संवाददाता हैं। राकेश जी, अभी क्या इस पर जानकारी है? हेलो राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद का शैलजा कार्यभार संभालेंगी, ये अभी तक जानकारी है।